हेलो गाइज, नमस्कार। सुनील मुनिया में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज मैं एक नया मशीन लाया हूँ, एल्युमिनियम कटर, जिसे एल्युमिनियम को काटा जाता है, उस टाइप का मशीन है। अब मैं इसको खोलूँगा। आप देख सकते हैं मशीन खुल चुका है। ये जो है मशीन का पेपर है। ये मशीन जो है डेवाल्ट कंपनी का है। आप देख सकते हैं ये जो मशीन है डेवाल्ट कंपनी का है। अब मैं मशीन देखूंगा, सारा सामान मेरा है ना बरोबर। सब दिखाओ भाई। ये देखिए, ये मशीन को सेट किया जाता है। सब मशीन का ही पार्ट है। ये देखिए मशीन जो है यहाँ पे है। अब मशीन को बाहर निकाला जाएगा। पकड़ होता हो नीचे से। आप देख सकते हैं मशीन निकल चुका है हमारा। अब इसको चेक वेक करेंगे, सब ठीक ठाक है ना। ये जो अभी है 45 डिग्री पे है मशीन। ये जो है आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे इसका सिस्टम दिया हुआ है लगाने का। देख सकते हैं कि जो है कसा गया है। इससे हम मशीन को 45 डिग्री पे घुमा सकते हैं। घुमा के एक बार दिखाओ ज़रा। देखिए ये जो है 45 डिग्री पे घूम गया मशीन। आप देख रहे हैं मशीन को। आप इस साइड जो है लेफ्ट साइड पूरा तिरछा भी कर सकते हैं, जिसे बीडिंग वीडिंग काटा जाता है। करके दिखाओ उसको। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ से आप काट सकते हैं खूब आराम से। जवाल कंपनी का मशीन है, पूरा सिस्टम बाई सिस्टम होता है। लाओ एल्युमिनियम लाओ तो काटो तो। देख रहे हैं ये एल्युमिनियम को ऊपर लग जाएगा। जिसे एल्युमिनियम को दाब के रखेगा, सेक्शन जो है इधर उधर भागेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये टू ट्रैक स्लाइडिंग का टॉप है जो लगाया गया है वहाँ पे। जो तो आप देख सकते हैं मशीन जो है पूरा सेट हो चुका है, बिल्कुल बरोबर सेट हो चुका है, कंप्लीट सेट हो चुका है। किया जा रहा है, गुनिया में काट रहा है। अब इसको गुनिया में अब चेक करेंगे हम कि ये गुनिया में काटता है कि नहीं। 45 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे देख रहे हैं पूरा बिल्कुल बरोबर। देखिए काटता है कि नहीं। अब इसको गुनिया से चेक किया जाएगा कि बिल्कुल बरोबर है कि नहीं। कटा है, आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल 0-0 कटा हुआ है, बिल्कुल बरोबर रखा है। देख सकते हैं बिल्कुल बरोबर कटा हुआ है। दीवार कंपनी, बेस कंपनी। आप देख सकते हैं कि एक पौने का ये सेक्शन है, इसको भी एक बार काट के देख रहा हूँ 45 डिग्री से। और एक और सेक्शन को हमका एक और सेक्शन कट चुका है। एक सेक्शन कट चुका है और इसको भी मैं काट कर गुनिया में चेक करूंगा कि बरोबर बिल्कुल है कि नहीं। हल्का सा बिल्कुल बरोबर है। इसको मैं दोनों के पास जोड़ के देखूंगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल 0-0 काटा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बरोबर। यहाँ से ये गुनिया से चेक करने का तरीका है। इधर से आप देख सकते हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये साबित होता है कि जो मशीन जो है बिल्कुल गुनिया में कटा है।